हेलो फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट्स है, आप देख सकते हैं। इसका मैं रिव्यू दूंगा। ये बेयर की शॉर्ट्स है, बेयर कंपनी के। और ये इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरा सादा है, लेकिन इसके ये जो थाइस के यहाँ पे ये ऐसा डिज़ाइन दिया है जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव है। और ये कोई पेंट वगैरह नहीं है, ये जो डिज़ाइन है ये क्लोथ मटेरियल है, तो ये वॉश पे जाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये कपड़ा है ये। और ये अच्छा दिखता है, इस वजह से मैंने लिया। और इसकी इलास्टिक्स भी अच्छे हैं। ये बेयर कंपनी का है जिसमें 70% पॉलिस्टर और 30% कॉटन है, तो गर्मी में थोड़ा ये गर्म करेगा, लेकिन अभी गर्मी का सीज़न है नहीं। अगर आपको गर्मी के लिए लेना है, गर्मी सीज़न के लिए, तो आपको 100% कॉटन लीजिए, जो कि बहुत आराम देगा और ऐसा वो नहीं रहेगा, ये काफ़ी सिल्की थोड़ा है। और कोई भी आप कपड़ा लीजिए, उसमें टैग ज़रूर होता है जिसमें कपड़े के बारे में बताया होता है कि ये क्या मटेरियल से बना है। आप देख सकते हैं 70% पॉलिस्टर और 30% कॉटन से ये बना है, मेड इन इंडिया। और इसकी MRP 299 रुपीज़ है। और ये बेयर कंपनी का है, बेयर डेनिम। तो चलिए मैं इसे पहन के दिखाता हूँ कि कितना अच्छा है ये। इसके इलास्टिक्स भी अच्छे हैं, आपके स्किन फ्रेंडली हैं, आपके स्किन पे ज़्यादा तनाव नहीं होगा इस इलास्टिक से, इस बैंड से, क्योंकि ये अच्छी कंपनी का, आप देख सकते हैं। गर्मी में थोड़ा गर्म देगा क्योंकि इसमें पॉलिस्टर ज़्यादा है, 70% है, लेकिन आपको गर्मी में पहनना है शॉर्ट्स, तो आप 100% कॉटन का ले सकते हैं। अभी तो गर्मी है नहीं फ़िलहाल, तो इसलिए ये अच्छा काम करता है, गर्म नहीं होता इसमें। अभी तो बारिश का सीज़न है, उसके बाद ठंडी का सीज़न है, तो इसमें काफ़ी ये चलेगा। गर्मी में तो गर्म देगा ही ये, लेकिन ये हल्का है, अच्छी क्वालिटी का ये। और कॉटन का अभी करंटली मैंने पहना है, कॉटन का कुछ ऐसा रहता है, पूरा 100% कॉटन रहता है। ये कॉटन पॉलिस्टर मिक्स है, तो मैं आपको पहन के दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्ट्रेचेबल है ये, स्ट्रेच भी होता है अच्छे से, इसका मटेरियल्स भी अच्छा है, सिलाई वगैरह भी अच्छी है, और ये पॉकेट भी है बढ़िया सा दोनों साइड। ओके, थैंक यू।